आज जो चीज़ हमने स्टडी करनी है दैट इज़ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि हम स्टडी करके आते रहे हैं. आज हमने जो है उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखनी है इन द लाइट ऑफ ली शैटलियर्स प्रिंसिपल जो कि हमने इससे पीछे तीन डिफरेंट टॉपिक्स में ली शैटलियर प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को हमने जो है वो स्टडी किया है. तो आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर इन योर माइंड्स नाउ. अब हम ये देखते हैं कि हम केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल लार्ज स्केल के ऊपर तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम को अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल जो है वो करते हैं. तो इस टॉपिक में हम बेसिकली दो डिफरेंट जो उनसे हैं रिएक्शंस जो कि इंडस्ट्री में हो रहे हैं उनको स्टडी करेंगे और वी विल कम टू नो कि किस तरह हम केमिकल इक्विलिब्रियम की मदद से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं. तो नंबर वन जो पहले रिएक्शन हमने पढ़ना है दैट इज़ द हैबर्स प्रोसेस. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो हैबर्स प्रोसेस है. आपके पास हैबर्स प्रोसेस में होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी सिंथेसाइज अमोनिया. सिंथेसिस ऑफ अमोनिया होती है हैबर्स प्रोसेस से. हम अमोनिया गैस जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं. एफ हाबर जर्मन केमिस्ट था जिसने इसको फर्स्ट टाइम जो है वो प्रपोज किया था इन 1933 और उस वक़्त से लेकर अब तक ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास इंडस्ट्रियली इस्तेमाल हो रहा है. अब अगर मैं इसकी रिएक्शन की तरफ जाऊँ तो इसका जो रिएक्शन होता है वो होता है जी कि अमोनिया गैस जो होती है ये मिलती है 3 moles ऑफ हाइड्रोजन के साथ एंड इट फॉर्म्स 2 moles ऑफ NH3 ऑल इन दी गैशियस फॉर्म. और इसकी जो एंथैल्पी है डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू -92.46 किलो जाउल पर मोल. अब आप अगर रिकॉल करें अपनी पिछले तीन टॉपिक्स को और ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को तो इस रिएक्शन को देखते हुए अगर मैं कहता हूँ कि मुझे अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो मैं तीन तरीक़ों से इसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कर सकता हूँ. और वो कैसे होगी, नंबर वन ये है कि जो हमने टॉपिक में जिस टॉपिक में ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के हमने उसकी कंसंट्रेशन से खेलना सीखा था वो वाला हम रूल अप्लाई करेंगे. अब अगर मैं कंटिन्यूसली विदड्रॉ करूं इस रिएक्शन मिक्सचर में से किसको, अमोनिया को, कंटिन्यूअल विदड्रॉल ऑफ अमोनिया. अब जाहिर सी बात है अमोनिया को मैं जब बाहर निकालूंगा इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. इस कंसंट्रेशन कम होगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे और मज़ीद अमोनिया जो है वो बनेगी. और रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इट विल मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये सारी पुरानी बात है जो हम बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर अपना स्पेंड करके आए हुए हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के ऊपर. दूसरा हो सकता है कि मैं प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करूं. क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ मोल्स के ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर ना हो और वो गैसियस फेज का रिएक्शन हो तो हम प्रेशर और वॉल्यूम को साथ भी खेल सकते हैं. यही बात हमने पहले टॉपिक में भी पढ़ी थी. यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो हैं जी 4 mole और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो प्रोडक्ट है वो हैं 2 mole. तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जब जाएगा तो फॉरवर्ड उस वक्त जा रहा है जब इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 4 से 2 पे आ रहा है. तो जब वॉल्यूम कम होगा तो अगर हम इक्विलिब्रियम के ऊपर मज़ीद वॉल्यूम को कम कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो दूसरी केस ये हो सकती है कंडीशन मुझे अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कि मैं वॉल्यूम को कर दूं डिक्रीज या प्रेशर को कर दूं इंक्रीज. एक ही बात है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो कम ही होगा तो मेरे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. ये दूसरी बात थी जो कि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल से हमने सीखी थी. थर्ड चीज़ इसके टेम्परेचर के मुताबिक है. इस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है.
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि ये रिएक्शन जब होगा तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा और इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो तो मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर को कम कर दूंगा। टेम्परेचर जाहिर सी बात है जब कम होगा तो मेरे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए वो एनर्जी निकालता है। तो जब बाहर का टेम्परेचर कम है तो वो एनर्जी निकालेगा, और निकालेगा कब, जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी मेरा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इंडस्ट्री में जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, हमारा पहला मकसद होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है जिसको हम बना रहे हैं वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बने, मैक्सिमम प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं वो हो सके। और उसके लिए ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं। पहली क्या, कि मैं अमोनिया को वक्फे वक्फे से सिस्टम से निकालता रहूं ताकि मेरे पास इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। दूसरा ये हो सकता है कि मैं वॉल्यूम डिक्रीज कर दूं इक्विलिब्रियम पे ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो। और तीसरा है जी टेम्परेचर को मैं जो है वो डिक्रीज कर दूं ताकि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहे। तो ये तीन कंडीशंस थी जिनके ऊपर हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो हमें मैक्सिमम अमोनिया की प्रोडक्शन जो है वो दे सकता है। अब इसके बाद अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपके पास एक टेबल गिवन है जिसके एक एंड पर टेम्परेचर और दूसरे एंड पर केसी की वैल्यूज़ को जो है वो कंपेयर करके बताया गया है कि इस टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू ये होगी, इस टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू ये होगी। एक टेबल ये आपको हेल्प आउट करेगा। दूसरा है नीचे एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ को मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो ग्राफ हमें बताएगा कि क्या चीज़ें जो सी हैं वो होती हैं या क्या चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। ये एक लाइन ये है, फिर एक लाइन कुछ ऐसे है, और फिर इट्स लाइक दिस। ओके, दिस इज द परसेंटेज यील्ड। इस तरफ जो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ यील्ड निकल रही है कि ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 100%। और इस एक्सिस के ऊपर मेरे पास टेम्परेचर है जो कि इस डायरेक्शन में जो है वो बढ़ रहा है। ये 200, 250, 300, 400, 500 और 600, एंड इट कंटिन्यूज टू गो फॉरवर्ड। अब यहाँ पर आप देखें कि और ये जो लाइनें हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हैं। दिस इज़ ऑन 1000 ATM, ये वाली जो लाइन है ये 800 के ऊपर है, ये वाली 300 के ऊपर, दिस वन इज़ एट 100 एंड दिस वन इज़ एट 10। 10 एटमोसफेरिक के ऊपर प्रेशर के ऊपर अगर मैं कर्व ड्रॉ करूँ तो ये बनेगा, 100 एटमोसफेरिक प्रेशर के ऊपर ड्रॉ करूँ तो ये, इसी तरह 1000 के ऊपर ये वाली लाइन आएगी। अब इसको अगर आप समझें तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम यील्ड ये है, ये दिस इज मैक्सिमम यील्ड, दिस इज मैक्सिमम यील्ड। अब मैक्सिमम यील्ड कब है, जब मेरे पास टेम्परेचर सबसे कम है और प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो मेरे पास मैक्सिमम जो है वो यील्ड आ रही है। यील्ड का मतलब है मैक्सिमम प्रोडक्शन। लेकिन अब मुझे चाहिए तो मैक्सिमम यील्ड ही, लेकिन यहाँ पर एक मसला होता है, वो होता है जी रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे पास ये यील्ड तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये रिएक्शन का टाइम इतना ज़्यादा है, रिएक्शन स्लो इस कदर है कि मैं उस ज़्यादा यील्ड को अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे मिलेगी तो मैक्सिमम यील्ड, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक टैंक के अंदर अमोनिया बनानी है NH3 और मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाल दी है तो मुझे 100% तो मिलेगी अगर मैंने 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 200 डिग्री सी को दिया है, लेकिन वो मिलेगी फॉर एग्जांपल 24 आवर्स के बाद। तो मैं इतना वेट तो नहीं कर सकता कि मुझे इतना वेट करना पड़े इसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम लेने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी कंडीशन का सेट जो है वो अपने लिए डिज़ाइन कर लेते हैं कि जिसमें हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन वो कंप्रोमाइज़ ना हो, हमें वक्फे वक्फे से जो है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। उसके लिए आप अगर अपनी बुक में भी देखेंगे तो इस कर्व के पास एक गोल सर्कल उन्होंने बना के शो किया हुआ है कि दीज आर द कंडीशंस जिस जहाँ पे हमें मैक्सिमम जो है वो मिलती है। अब यहाँ पे हम यील्ड तो कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि यहाँ से हम नीचे आ गए हैं, पहले ये लाइन थी, अब हम ये 60-70 पे आ गए हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वही 60-70 वाली प्रोडक्शन हमें 3 घंटे में अगर मिल रही है तो वो 100% 24 घंटे में मिलनी थी। तो
इन दी एंड घंटे के बाद हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा ही होगी अमोनिया की। तो हम देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। द वर्ड ऑप्टिमम इज कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम चीज़ें जो सी हैं वो मिल सकें। तो यहाँ पे हमें मिलती तो मैक्सिमम यहाँ पर थी कि मैं 1000 ATM इसको दे देता, लेकिन 1000 ATM पे वो बहुत स्लोली मिलनी थी जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन है कि जहाँ पे 400 आपके पास टेम्परेचर हो, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो फिर आपके पास ऑप्टिमम यील्ड जो सी है वो आ जाती है। और फिर हम इसके अंदर जो है कैटलिस्ट को भी ऐड करते हैं। तो जो कंडीशंस की बात हुई, कंडीशन हमने ऑप्टिमम इस कर्व से निकालनी है कि टेम्परेचर आपका जो है वो होना चाहिए 200 से 300 के दरमियान, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज़ प्रेशर। और टेम्परेचर जो है आपका कर्व के ऊपर आप देखें तो दैट शुड बी अराउंड 400°C। तो इस तरीके से हमने अपनी कंडीशन जो होती हैं वो डिज़ाइन कर ली कि इन कंडीशंस पे हमें मैक्सिमम जो है वो यील्ड मिल सकेगी। अब क्या होता है जी कि आप कैटलिस्ट को भी इम्प्लॉय कर देते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट के बारे में भी हम पढ़ के आए थे कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट या स्पीड आप कह लें इसको, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जिसका मतलब है कि एक रिएक्शन जो कि आपके पास एक दिन में होना था 1 day, वो ही रिएक्शन अब आपके पास 6 hours में होना शुरू हो जाएगा, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो कैटलिस्ट बेसिकली आपके रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो हाबर्स प्रोसेस के इन दो कंडीशंस के अलावा जो तीसरी कंडीशन है वो कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट जो है हम इसमें इस्तेमाल जो करते हैं वो होता है आपके पास पीसीज ऑफ आयरन। और इनका मिक्सचर होता है विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3 एलुमिना एंड सिलिका। तो ये रिएक्शन के जो आपके पास कैटलिस्ट हैं और ये कंडीशंस, ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए कि अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इसको अपने पेपर में प्रोड्यूस कर सकें। तो ये था प्रोसेस, हमने देखा कि किस तरह हम जो है अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ी सी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द सेपरेशन ऑफ अमोनिया। वो कहता है जी जब आप रिएक्शन मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, जब आप रिएक्शन मिक्सचर को निकालते हैं और उसमें से अमोनिया सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर 35% अमोनिया होती है, बाकी जो उनसे हैं आपके पास N2 एंड O2 मौजूद होते हैं। तो हमने अब अमोनिया को सेपरेट करना होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको रेफ्रिजरेशन में लेके जाते हैं, हम इनको ठंडा करते हैं, रेफ्रिजरेशन सेल्स के अंदर देकर जाते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी गैस हो उसको हम ठंडा करेंगे तो वो क्या करेगी, गैस को अगर मैं ठंडा करूँगा, कूलिंग करूँगा उसकी, तो दैट विल कंडेंस, वो लिक्विफाई हो जाएगी। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका जो है तीसरे चैप्टर का है। अब गैस को लिक्विफाई करना चाहता हूँ मैं, अब यहाँ पे मेरे पास तीन गैसेस मौजूद हैं, जाहिर सी बात है जिसका सबसे जल्दी जो होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उस तरह का होगा वो सबसे पहले हो जाएगी, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट की अकॉर्डिंगली जो है हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अमोनिया में से जो सी गैसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगी। अब अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -33.4°C, जबकि आपके पास N2 एंड O2 का इससे ज़्यादा होता है, मज़ीद ठंडा करने पर जो है ये होगा इससे ग्रेटर देन होगा -33.4°C से। अब रेफ्रिजरेशन सेल में आपके पास तीनों गैसेस मौजूद हैं, आपने इसको ठंडा करना शुरू किया, ज़ीरो पे आया टेम्परेचर, -1, -2, -3, ठंडा होता 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 -33.4°C पे जब गया, तो यहाँ पे जाके इस जो 35% अमोनिया थी ये क्या हो गई, ये लिक्विड अमोनिया बन गई, और ये लिक्विड अमोनिया बन के कंडेंस हो गई, और कंडेंस होके आपके सिस्टम से बाहर आ गई। आपने क्या किया, आपने जो सिस्टम से मिक्सचर लिया था जिसके अंदर 35% अमोनिया थी, उसको आपने कंडेंस कर लिया, लिक्विफाई कर लिया। अब 33.4°C के ऊपर ना ही नाइट्रोजन ने गैस से लिक्विड में आना है, कंडेंस होना है, ना ही ऑक्सीजन ने, क्यों, क्योंकि इनके टेम्परेचर मज़ीद ठंडे होने पर ये जो हैं कंडेंस होंगे। तो हम इसको मज़ीद ठंडा नहीं करना हमें, क्योंकि हमें नाइट्रोजन और अमोनिया ऑक्सीजन जो है वो कंडेंस नहीं करनी थी, हमें
अमोनिया कंडेंस करनी थी और वो हमने कंडेंस करके सिस्टम से बाहर निकाल ली। तो इस तरह से हम अपनी जो सी है वो अमोनिया को कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो कहता है जी नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो बेसिकली इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंट बता रहा है, इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा है कि आपके पास ये रिएक्शन जो है वर्ल्ड वाइड कितना इम्पोर्टेंट है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम किसी प्रोडक्ट में फिक्स कर लेते हैं। अभी जो हमारे पास एयर है इसके अंदर 79% नाइट्रोजन है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन जब हम इसको अमोनिया बना लेते हैं तो हमारे काम की बन जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं जो डिफरेंट किस्म के, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रेट्स वगैरह में। ये बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों ने मैट्रिक क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। अब वो कहता है जी ओवरऑल जो इस दुनिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है उसकी 13% जो सी नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हैबर्स प्रोसेस के थ्रू हो रही है, हैबर्स प्रोसेस। और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है 13%, बिकॉज ओवरऑल इतने ऑर्गेनिज़म्स हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो 13% जो, क्योंकि अब इस प्रोसेस के अंदर ये जो हमने रिएक्शन लिखा इसके अंदर हमने नाइट्रोजन कहाँ से ली, नाइट्रोजन हमने ली एयर से। तो जाहिर सी बात है ये नाइट्रोजन एयर से लेने के बाद अमोनिया में बन गई तो ये नाइट्रोजन होगी फिक्स। तो वो कहता है जी 13% ऑफ द टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय हाबर्स प्रोसेस। अब ये जो अमोनिया बनती है इसका इस्तेमाल क्या है, इसका मेन इस्तेमाल जो है दैट इज़ फर्टिलाइज़र। जितने भी आपके पास खादें बनती हैं, यूरिया बनता है, वो आपके पास अमोनिया ही से बनता है। तो 80% ऑफ द टोटल अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एंड द रेस्ट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव्स और डिफरेंट जो उनसे मजीद केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर नायलॉन है और डिफरेंट पॉलीमर्स हैं, वो बनाने में जो है इस्तेमाल होती है। तो प्रोडक्शन, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है, उसका मकसद ये है कि ये रिएक्शन की इम्पोर्टेंस आपको पता चले कि ये दुनिया में बहुत ज़्यादा होने वाला रिएक्शन है और इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम, ताकि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की इम्पोर्टेंस भी पता लग सके कि वो कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन केमिस्ट्री। तो ये था हमारा पहला जो था हमने देखा। नेक्स्ट वाला जो है वो भी तकरीबन तकरीबन इसके सेम है और उसके कंडीशंस जो होती हैं वो भी हम देख लेते हैं, उसको समराइज कर लेते हैं। वो है जी सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन SO3, इसका रिएक्शन होता है जी 2SO2 प्लस O2 एंड इट फॉर्म्स 2SO3। इसके भी वही तीन कंडीशन हैं। नंबर वन क्या है कि मेरे पास रिमूवल ऑफ SO3, जाहिर सी बात है SO3 निकालता जाऊंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरा है आपके पास उसी तरह ये इसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, इसके हैं 2, तो मेरे पास क्या होगा प्रेशर इंक्रीज या फिर वॉल्यूम डिक्रीज। और नंबर 3 इज दी टेम्परेचर, क्योंकि इसकी डेल्टा एच होती है -194 किलो जाउल पर मोल, तो इतनी माइनस होने की वजह से एक्सोथर्मिक है तो मेरे पास टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। इसकी सेम की सेम जो सी हैं कंडीशन हैं जो कि हैबर्स प्रोसेस में थी। अब ये रिएक्शन भी खासा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो SO3 है इससे बनता है H2SO4 विच इज़ द किंग ऑफ द केमिकल्स। जितने भी केमिकल हैं पाकिस्तान कह रहा हूँ, किसी भी मुल्क की जो प्रोडक्शन होती है इकोनॉमी की, किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होती है, वो जब आप साल के एंड पे काउंट करते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 निकलती है कि इस मुल्क ने इस साल में H2SO4 कितना बनाया है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस मुल्क ने इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली कितना ग्रो किया है। सिमिलरली ये सारी चीज़ें जो होती हैं ली शटलिस प्रिंसिपल की मदद से आपको समझ आ गई कि आपने इस रिएक्शन को जो है वो कैसे फॉरवर्ड करना है। सिमिलरली वो बात वही है कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा ऑप्टिमम कंडीशंस जो होती है वो ढूंढते हैं। जाहिर सी बात है जैसे पिछले रिएक्शन में भी देखा था कि जब हम 1000 पे ले गए थे तो यील्ड मैक्सिमम आ रही थी लेकिन रेट स्लो आ रहा था, सिमिलरली इस रिएक्शन के साथ भी यही केस है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस जो सी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। और ऑप्टिमम कंडीशंस जो सी हैं वो इसकी क्या हैं,
वो आपके पास हैं जी 400 डिग्री टू 500 डिग्री सी, और आपके पास जो कैटलिस्ट है दैट इज़ V2O5 विच इज़ ऑन प्रेजेंट ऑन दी फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। प्लैटिनम को हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल्स और ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट। तो प्लैटिनम की मौजूदगी में जो है हम V2O5 एज अ कैटलिस्ट, ये सारा कैटलिस्ट है और ये हमारे पास कंडीशन है प्रेशर टेम्परेचर की। तो इस कंडीशन के ऊपर जो है हमारे पास SO2 से SO3 जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब दो तरीके थे यहाँ पे, एक बात उसने और भी मेंशन की होगी, SO2 जब O2 से मिलती है तो हमारे पास बनाती है 2SO3। अब एक तो ये था कि हम SO3 को रिमूव करते जाएं तो यील्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि हम ऑक्सीजन को ऐड करते जाएं तो भी यील्ड बढ़ती जाएगी। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जब एक्सेस में हम देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास मैनेज करना आसान है, तो इस रिएक्शन में हम ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में देते जाते हैं, ये डिस्टर्ब होता रहता है इक्विलिब्रियम, मजीद SO2 O2 से रिएक्ट करके SO3 जो है वो बनाती रहती है। तो कोई भी टेक्निक हो सकती है, आप रिएक्टेंट्स में एडिशन शुरू कर दें, ऐड करना शुरू कर दें, या प्रोडक्ट्स को रिमूव करना शुरू कर दें, रिएक्शन आपका हर केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन ही में जो है वो मूव होगा। तो ये SO3 जो हमारे पास इस रिएक्शन के नतीजे में बनती है, इसको हम पहले से मौजूद H2SO4 के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं, तो हमारे पास ओलियम बन जाता है, और इस ओलियम से मजीद हम H2SO4 बना लेते हैं उसको डाइल्यूट करके। तो ये सारा प्रोसेस, इसका नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच H2SO4 इज़ फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और ये प्रोसेस जब आप अपने नेक्स्ट ईयर में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो SO3 से H2SO4 बनता है, और H2SO4 से हम किसी भी मुल्क की ग्रोथ जान सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। तो किंग ऑफ केमिकल्स के रिएक्शन में आपने देखा कि इक्विलिब्रियम का क्या रोल था, तो ये दो हमने एग्जांपल्स की मदद से स्टडी किया कि केमिकल इक्विलिब्रियम कितना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए।